गरीब और आम जनता के सस्ते और अच्छे घर का सपना पूरा करने के उद्देश्य से भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.आर. पांड्यन ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सम्यक निवास हक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था के मेंबर्स के लिए उन्होंने पनवेल में एक प्रोजेक्ट शुरू किया। अब यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और संस्था के सभी नियमानुसार जो भी मेंबर पात्र हुए हैं उन्हें घर मिलना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हाल ही में रेखा सकट नामक एक महिला को घर की चाबी और कागजात देकर शुरू हुई। खुद भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.आर. पांड्यन ने अपने हाथों से रेखा सकट और अन्य मेंबर को चाबी प्रदान किया। चाबी पाकर यह महिला काफ़ी खुश नजर आई। उन्होंने आर.आर. पांड्यन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन्हीं की वजह से अच्छे घर का सपना पूरा हो सका है। बहुत बड़े भाई का धन्यवाद। क्या कहेंगे, कितनी अच्छी योजना रही, पैसा वाला बहुत अच्छी कितना रही। अच्छा आपको पड़ा। मतलब मैं खुद सर्विस करती हूँ लेकिन ये घर का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनके वजह से मेरा सपना पूरा हो गया। और इन्होंने हमें मतलब बहुत मतलब संभाल के भी लिया और अच्छा भी लग रहा है आज। बहुत मतलब क्या कहूँ, अभी बोलने में मेरे को रोना आ रहा है। क्या कहेंगे, दूसरे कसा आह्वान करना तुम्ही की सगळे दुसऱ्यांच्यासाठी, म्हणजे आपण जर विश्वास ठेवला तर समोरचे पण ठेवतात, त्यामुळं पैसे आपले कुठे जात नाहीत, तर बिंदास त्या लोकांनी येऊन भरावेत पैसे आणि आपल्या घराचं स्वप्न साकार करावं। चाबी वितरण के दौरान हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर.आर. पांडियन ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सम्यक निवास हक संस्था का उद्देश्य क्या है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह उनके सामने कई दिक्कतें भी आईं लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे और प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हॉकर्स जैसे लोग जिनके पास म्हाड़ा जैसे घर पाने के लिए कोई कागज पत्र नहीं है वे लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं, बशर्ते उनके पास कम से कम आधार कार्ड होना चाहिए। कैमरामैन इकबाल से के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई। देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सम्यक निवास हक अपना घर जो योजना थी, ये मैंने गौर गरीब जिसका सपना है सिर्फ घर लेने का, ऐसे लोगों को मतलब जमा करके और कुछ फाइनेंस कंपनी कुछ बैंक जो अम्बेडकरी मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहती है ऐसे लोगों को जमा करते हुए, बिल्डर जो है जो गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, ये जो सपना है जो आपने देखा म्हाड़ा वाड़ा ये जो लोग का योजना निकलती है इसमें जो लॉटरी निकलती है वो लोगों तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि उसमें जो भरने की जो अमाउंट होती है बहुत बड़ी होती है और बहुत कॉस्टली फ्लैट होती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर वो लूटी है, उसमें बिचौली और एजेंट उन लोग ही कमाते हैं और भ्रष्टाचारी होता है, तो ये सब ना हो। और जो छोटा आदमी है जिसका मतलब उसका पेपर नहीं होता है ना, मतलब कि ना इनकम टैक्स होता है ना उसके पास कुछ प्रॉपर पेपर होते हैं, लेकिन सिर्फ उसका खुद का मतलब यहाँ मुंबई में घर तक नहीं होता है, ऐसे लोगों को दूसरी बैंक लोन नहीं देती है। हमने ऐसे लोगों को घर का जो सपना होता पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे लोगों के लिए हमने योजना बनाई थी कि ऐसे घर गोर गरीब जो लोग जिसको सपना है कि अपना खुद का घर हो, सिर्फ छत छुपाने के लिए छत हो हमारे पास खुद की, उसके लिए मैंने ये योजना बनाई थी। और वो योजना ऐसे उन लोग को जोड़ कर बैंक को मिलाकर बिल्डर को मिलाकर ये जो सब योजना थी पिछले 5-6 साल पहले मैंने शुरू की थी वो आज यशस्वी हुई। और आज जो पहला हमारा सभासद था जो रेखा सकट नाम का, उनको हमने पोजीशन दी, ताबा दे दिया, हमने उनको चाबी अलॉट कर दी। और ये मतलब बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लिटिगेशन मैंने झेले, ये मतलब कि संस्था नहीं चलेगी और इसको मतलब मदद नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल आदमी है ये, ऐसा है वैसा है, और कुछ लोग जो दूसरे जात के थे जो लोग बाबा साहेब के मूवमेंट से मतलब बिलोंग नहीं करते थे, कहीं ना कहीं उनको मतलब खटास थी मेरे लिए, तो उन लोग ऐसे सभासद को कुछ सभासद को या खुद सभासद बनते थे और जानबूझ के झूठी कंप्लेंट कि हमारा पैसा ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस सब चीज़ को ओवरकम करते हुए आज मैंने उस चीज़ को पार किए। नोटबंदी के बाद भी बहुत तकलीफ़ हुई थी हमको, फिर लॉकडाउन में तकलीफ़ हुई थी, लेकिन ये जो सपना था ये मेरा पैशन था जो मैंने मतलब ऊपर वाले के साथ से ये पूरा हुआ।